नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रक्षाबंधन स्पेशल लड्डू बनाने जा रहे हैं। इंस्टेंट लड्डू है, बिना गैस जलाए हम इन लड्डुओं को बनाएंगे और 5 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन आप ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। लड्डू बनाने के लिए मैं भुने हुए चने लिए हैं, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। मैंने इनका छिलका उतार लिया है, ये छिलका उतारे हुए भी मिल जाते हैं। 8 चम्मच मैंने पिसी हुई शुगर ली है, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया है, 7-8 बादाम लिए हैं जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। 4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। मैंने चनों को मिक्सी के जार में डाल लिया है, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे। देखिए, मोटा मोटा जो चना है वो निकल आया है, इसे हटा देंगे। अब हम इसमें शुगर मिला लेंगे। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो शुगर कम डालें। इलायची पाउडर भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन आप इन्हें ज़रूर बनाएं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इनका टेस्ट भी बहुत ही अलग सा आता है खाने में, बच्चों को और बड़ों को सभी को काफ़ी अच्छे लगेंगे। घी डाल देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम घी और यूज़ करेंगे। घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने 3 चम्मच घी और लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हमें इतना घी डालना है जिससे कि आसानी से लड्डू बन जाए। देखिए फ्रेंड, लड्डू बन गया है, अब हम इसे प्लेट में रख देंगे। इसी तरह और लड्डू बना लेंगे। देखिए, ये भी बन गए हैं। सारे लड्डू हमें इसी तरह तैयार कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने बादाम से डेकोरेट कर दिए हैं, काफी अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी काफी टेस्टी हैं। फ्रेंड्स, इन्हें फ्रीज में रख के आप 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप सभी को अन्नपूर्णा रसोई की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन।